निमेश कुमार सर, निमेश कुमार कैमरा मैन सर जी सर जी। नहीं टेंशन वाली बात नहीं है सर, आवाज तो निकालते रहते हैं, फोन आवाज चेंज हो जाती है, कोई बात नहीं। भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, काका जी समोसा है क्या, चाय तो पिला दी, मजा आ गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आज वारा सिवनी में। तो आज मैं मिलने के लिए आया हुआ था आदरणीय गुड्डा जायसवाल जी से, जो कि हमारे यहां के विधायक हैं और हमारे नगरपालिका अध्यक्ष जो हमारे साथ फिलहाल में खड़े हैं। और आप देख पा रहे हैं जो बांगा के साथ हम लोग का वीडियो आया था ना, वाला टॉय ट्रेन वाला, जहाँ पर बांगा भाई साहब जो है रेल मंत्री बन जाते हैं वारा सिवनी के, तो वो ये वाली टॉय ट्रेन है जहाँ पर फिलहाल पंकज बैठा हुआ है। तो अभी तो बना नहीं है रे। तो दोस्तों आज ये सब दिखाने का मेरा मकसद जो है उसको पहले आप समझिए, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जो मेरा शहर है बरघाट, शायद ये टॉय ट्रेन वहाँ पर भी आ सकती थी अगर वहाँ के लोग चाहते तो। या फिर शायद आपके जहाँ पर आप हैं, आप चाहे लांजी पे हैं चाहे सिवनी पर हैं, वहाँ पर भी ट्रेन आ सकती थी। लेकिन क्या होता है, पहले आपके मन में वो चीज़ होनी चाहिए कि आपको ये करवाना है। तो मैं आपको पहले मिलवाता हूँ, एक बार अपना परिचय खुद दीजिए। मैं मनोज दांद्रे, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सरिता दांद्रे नगरपालिका अध्यक्ष है, मेरे साथ में मेरे छोटे भाई हमारे पार्षद साहब पार्षद मोनू लिमजे जी है, और भाई का आज नगर में आगमन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे नगर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इन्हें अपने मन से ही एक ट्राई ट्रेन की रील बनाकर आपके बीच में प्रस्तुत किए थे, और जिले नहीं पूरे माँ कौशल में हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि देव भाई भी बिल्कुल निरंतर प्रयासरत है कि विकास को और अन्य विषय पे जो आपके बीच में हर कॉमेडी को लाते हैं, मैं चाहूँगा कि वो निरंतर इसी प्रकार और भी कॉमेडी अपने मन से समाज के बीच में लाने का कार्य करें। जहाँ पर विकास होता है तो मेरा एक ही मकसद होता भी है कि अगर कहीं विकास हो रहा है तो हमारा हम प्रयास करें कि वो सबके सामने आए जी। तो जैसे कि अभी आप भैया का फोन आया था मुझे, ओम भाई ऐसे आओ ना, ये हमारे ओम भाई आप तो जानते हैं, किसान का बेटा जो गरीबी को मिटा करके खाएंगे पेड़े, उन्हीं का नाम है ओम एड़े। तो गरीबी में पेड़े खाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हमारे ओम भाई भी हैं जो कि फिलहाल में रायपुर से आज यहाँ पर आए। तो मैं आपको पहले बताता हूँ मकसद कि आज ये वीडियो का मकसद क्या है। आप देख पा रहे हैं ये जो टॉय ट्रेन है, इसको लाने पे आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है, बहुत टफ काम है या फिर अगर चाहे तो बहुत ईजी है, कैसा है? कुछ नहीं, बस बहुत ईजी है। और यहाँ पे हमारे सम्माननीय नेता माननीय प्रदीप जायसवाल जी का जो मार्गदर्शन रहता है, नगर में हो या वारासुनी विधानसभा में, उनकी एक अलग सोच रहती है विकास के नाम जाने जाते हैं वैसे भी, कि हर व्यक्ति को सुविधाजनक, यहाँ तक कि ऐसा राजनेता बच्चों के बारे में भी सोच रहे कि बच्चों को एक खुशी कहाँ पे मिलेगी। हाँ हाँ। ये एक अहम भूमिका है और वो चीज यहाँ पर कहीं नहीं जो वारासुनी में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कुछ एंटिक, यानी कि हम कैसे अपने वारासुनी को अलग करें। जैसे हम डिवाइडर की बात करते हैं, डिवाइडर जब हमारे अलग विधानसभा में जब नहीं थे तब यहाँ पर आपके यहाँ पर डिवाइडर रोड, तो ये चीज एक अलग चीज हो जाती है। जिधर लाइट है रोड पे, लाइट लगे हुए पूरे स्ट्रीट लाइट पूरे लगे हुए हैं, ये चीज जो है कुछ ना कुछ एक आप अलग जिस साइड से भी अगर वारासुनी में एंट्री लेते हैं वहाँ पर डिवाइडर में पूरी लाइटिंग कार्य अभी कुछ अपने रामपाली रोड में आती चल रही हुई है। अच्छा। और गोटाडोल से रामपाली इस साइड में भी अभी पूरी चलती भी आ रही है कि पूरे डिवाइडरों के पिल्लर बनते भी आ रहे हैं, और पूरे आप जिस साइड से भी अगर एंट्री करेंगे तो आपको विकास, यानी बिल्कुल लाइटिंग से सुसज्जित ऐसा लगेगा कि आप कहीं बड़े शहर। अब बताता हूँ मैं आपको कि ये विकास होता कैसे है। विकास ऐसे होता है जब आप किसी भी काम को, नगर पालिका अध्यक्ष भैया है लेकिन घर का काम समझ के करेंगे आप, कि भाई ये मेरे घर का हिस्सा है और मुझे इसमें कैसे भी करके विकास करना है, और आपके मन में वो चीज होनी चाहिए तो वो हो जाता है। और ये काम तो आदरणीय जायसवाल जी बड़े हिसाब से करते हैं और वो दिखता है, काम दिखता है। चलो तो एक बार इसमें सवारी कर ले। बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, बांगा भैया अगर आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, माफी चाहेंगे, आप यहाँ के इसके रेल मंत्री हैं लेकिन सवारी हम करेंगे, टिकट आप कटवा देना अपने हिसाब से। तो चलो दोस्तों आपको सवारी करवाते हैं, निमर आप थोड़ा वीडियो बना दो भैया सवारी का एक बार। चलो तो हम भी भैया, मैं तो चुक गया यार। नहीं, तुम अभी कैमरा चलाओ। दोस्तों जितने भी हमारे यहाँ के बच्चे हैं, इसकी जो सीमा है उम्र की वो 14 वर्ष है, लेकिन हम यहाँ पे सारे 14 वर्ष के बच्चे बैठे हुए हैं। चलो चुक चुक रेलगाड़ी।
ग्राउंड का चक्कर लगाती दोस्तों ये ट्रेन यहाँ से। ये गाइस देखो फाइनली जो है हमने इस पे दो चक्कर लगा लिया हमने, पूरा ट्रेन वाली फीलिंग इसमें आ रही थी। तो भैया आपको पूरा बधाई जी कि आपने जो है इतना अच्छा काम, आप भी नगर पालिका से ही हैं तो आपने इतना अच्छा काम यहाँ पे किया है वाराणसी जनता के लिए। उम्मीद है कि आप ऐसे ही काम करते रहेंगे और जनता का जो भरोसा है उसको हमेशा कायम रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी हमारे नगर की जनता और माननीय विधायक जी का जो भी आशीर्वाद रहेगा वो निरंतर इसी तरह से चलता रहेगा। चलिए दोस्तों अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, अब उतरते हैं। हालांकि टिकट जो है अपने को माफ है, कानून समझे ना भाऊ, अपने को माफ है भाऊ, टिकट कानून भी तोड़ दिए 14 वर्ष तक, 14 वर्ष का कानून तोड़ दिया। मजा आ गया।